नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशगुरु ट्रैवल चैनल पर। वैसे हमारा इस प्रकार की गतिविधि को दिखाने का चैनल तो नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग का हमारा ज़्यादातर चैनल है, या किसी प्रकार की सांस्कृतिक या ऐसे कार्यक्रम दिखाने का चैनल है। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, ये एक समाज कल्याण का आंदोलन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अन्नदाता है तो सब कुछ है। अन्नदाता के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं, अन्नदाता से ऊपर तो सिर्फ भगवान ही आते हैं। इसलिए आपको सामने आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टर चलते हुए दाता सिंह वाला, ये बॉर्डर पंजाब बॉर्डर है। कल यहाँ पर काफ़ी तनाव का माहौल रहा था, बहुत ही भयंकर प्रदर्शन आप बोल सकते हैं सरकार के द्वारा। ये सामने आप देख सकते हैं, जो मिट्टी का एक ढेर लगाया गया है जिस पर काफ़ी बाइक खड़े हुए हैं, ये ढेर बिल्कुल रोड को यहाँ से जाम कर दिया गया था, लेकिन आज किसानों के द्वारा इसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति कल यहाँ पर बाधा बनाने के लिए पैदा की गई थी, लेकिन आज जो स्थिति है बहुत ही अच्छी स्थिति है और किसी प्रकार की यहाँ पर बाधा नहीं है। किसान भाई लगातार ट्रैक्टर के साथ में चल रहे हैं, एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगातार आती जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में आप इनको बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि आंदोलन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने हक की लड़ाई एक अलग चीज़ होती है, अपने अस्तित्व की लड़ाई इसको आप कहेंगे, क्योंकि अन्नदाता सबके लिए बराबर है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं है, और सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट भी है कि किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करने की कोशिश ना करें। ये जो आंदोलन है, ये एक समाज कल्याण आंदोलन है। प्लीज स्टैंड फॉर फार्मर, किसानों के लिए ज़रूर आगे आएँ, और यदि किसानों की आप सहायता ना कर सकें, उनकी आप हेल्प ना कर सकें, तो उनके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा का प्रयोग ना करें या बाधा का प्रदर्शन ना करें। सामने आप देख सकते हैं दाता सिंह वाला, ये जो बॉर्डर है, ये देखिए एक के बाद एक ट्रैक्टर लगातार आते हुए, दाता सिंह वाला ये बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर इसको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रैली लगातार आते हुए, किसानों का ये जो आंदोलन है, तीन मुख्य अध्यादेश है जो उनके लिए ये आंदोलन है। तीन मुख्य अध्यादेश जो किसानों को बिल्कुल एक प्रकार के नष्ट करने की जो नीति है उसको आप कह सकते हैं। दमनकारी जो नीति है, ये आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो किसानों पर तीन मुख्य अध्यादेश जो लगाए गए हैं, बिल्कुल किसान के विपक्ष हैं, क्योंकि किसान ही इससे सहमत नहीं है, तो सरकार को भी एक बार ये सोचना चाहिए कि किसानों की सहमति के बिना ये लागू ना किए जाएं। ये देखिए किसान एकता का नारा लगाते हुए लगातार, बहुत ही शानदार तरीके से, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप से आज यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कल काफ़ी तनाव का माहौल यहाँ पर रहा, लेकिन आज बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी भाइयों से विनती जरूर है कि किसी प्रकार की बाधा का उपयोग ना करें, और किसी प्रकार की राजनीति खेलने की या राजनीति करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अन्नदाता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है विश्व में। अन्नदाता है तो पूरी दुनिया, अन्नदाता के बिना कुछ भी नहीं। सामने से आप देख सकते हैं लगातार बस भी भर भर के आ रही है भारी संख्या में। ये देखो हमारी नारी शक्ति का जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, साथ में हमारे भाई भी हैं, क्योंकि किसान के लिए सभी खड़े हुए हैं। आज ऐसा दौर आ गया है कि किसानों को अपने हक के लिए अपना काम छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, एक प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के रूप में यहाँ पे आना पड़ रहा है। दिल्ली के लिए ये चले हैं, दिल्ली कुछ के लिए, और किसी प्रकार की कोई भी बड़ा चैनल या कोई भी मीडिया वाला अच्छे तरीके से इसको नहीं दिखा रहा है। अगर दिखाया भी जा रहा है तो इसको घुमा फिरा के या इसको खालिस्तान का रूप देकर इसको पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन कोई भी बड़ा मीडिया चैनल है, उन पर भी किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट का दबाव आप मान सकते हैं, होता है ऐसा।
या किसी प्रकार का और दबाव आप कह सकते हैं इसको, प्रेशर जिसको आप बोल सकते हैं, किसी प्रकार से ज़रूर रहता है। ये सामने आप देख सकते हैं किसान भाई, और आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये जो एक साइड बैरिकेड पड़े हुए हैं और ये एक नाली जो खोदी गई है, कल ये बैरिकेड बूथ यहाँ पर रोके गए थे, लेकिन कल किसान भाइयों ने यहाँ से बूथ थी तनावपूर्ण स्थिति में इनको एक साइड लगाया और इस मिट्टी को भी एक साइड लगाया, और उसके बाद से आज ये दिल्ली के लिए चल पड़े हैं अच्छे तरीके से। बार बार सभी भाइयों से विनती जरूर है कि इस आंदोलन का यदि साथ ना दे सके, क्योंकि वैसे तो साथ देने का हक हमारा बनता है, यदि किसान है तो हम सब हैं किसान के बिना, क्योंकि हमारा दुश्मन लगा लीजिए या कोई भी पार्टी लगा लीजिए, आप अन्न सभी खाते हैं और सभी किसान के कर्जदार जरूर हैं। यदि किसान है तो हम सब हैं, यदि हम किसान का साथ ना दे पाएं तो इनके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा ना बने, किसी प्रकार की बाधा का प्रयोग ना करें। किसानों का साथ ही हमारा साथ है और इसी में समाज कल्याण है। इस कृपया इसको किसी प्रकार की सामाजिक तौर पर इसको ही माने, किसी प्रकार की राजनीतिक आंदोलन इसको ना माने या राजनीति से जोड़कर ना देखें। ये आंदोलन बिल्कुल समाज कल्याण का आंदोलन है, किसानों के लिए उनके हक की लड़ाई है। किसानों को पहले से ही फसलों के रेट वैसे नहीं मिल रहे थे, और अब ये काले कानून जो लगाए गए हैं जिसको किसान ही अपने काले कानून समझ रहे हैं, ये देखिए किसान एकता का नारा लगाते हुए, ये सामने से आप देख सकते हैं एक और बस लगातार आते हुए। ये देखिए एक और कैंटर आप सामने देख सकते हैं, लगातार बस आते हुए किसान एकता का नारा लगाते हुए, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, मोदी सरकार को दुहाई देते हुए या बीजेपी सरकार भाजपा सरकार को दुहाई देते हुए, क्योंकि सरकार कोई भी हो किसान का दमन हमेशा से जरूर होता आया है, लेकिन अब तो स्थिति बहुत ही भयानक कह लीजिए, या अपने अन्नदाता को ख़त्म करने की स्थिति या नीति अपनाई गई है। 3 अध्यादेश जो लागू किए गए हैं खेती पर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे मुख्य आता है, जो किसान को काफ़ी चोट पहुंचाएगा या काफ़ी दमनकारी नीति जिसको बोलेंगे, और एक अनलिमिटेड स्टॉक जिसको आप बोल सकते हैं, और इसके साथ में एक तीसरा जो कानून है काला कानून जिसको आप बोलेंगे, ये सामने आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टर बने हुए हैं। तीसरा जो कानून है जो अपनी फसलों को किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, ये भी आगे जाकर किसी न किसी राजनीतिक तरीके से किसानों के खिलाफ ही प्रदर्शन करेगा, इसलिए कृपया स्टैंड फॉर फार्मर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये किसानों के हक के लिए एक वीडियो है। किसानों का साथ ना दे सके तो किसानों के रास्ते में बाधा ना बने, ये मैं बार बार पूर्ण जोर तरीके से आपको कहना चाहूँगा। काफ़ी भारी मात्रा में किसान यहाँ पर आए हुए हैं, आज लगभग सोशल मीडिया पर भी किसानों का पूरी तरीके से साथ दिया गया है। हमारे देश में हमेशा से जय जवान जय किसान का नारा जो लगता है, लेकिन आज ये किसी न किसी प्रकार से दोनों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसान भी अपनी बेबस हाल में है और जवान भी कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में है, पहले जैसे हालात अब नहीं है, किसी न किसी प्रकार के से राजनीतिक कार्य विधि जो होती रहती है इनके खिलाफ हमेशा से ही, और अब जाके तो बहुत ही ज़्यादा भयानक इसने रूप ले लिया राजनीति ने।
कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल था, लेकिन आज किसी प्रकार की पुलिस या प्रशासन का जोर यहाँ पर नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में लास्ट में एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा स्टैंड फॉर फार्मर, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।